क्वेश्चन भी है, ये सब याद है क्या माँ है? दस बोलो, क्वेश्चन बोलो पहले, निकालिए। हार्डली 10 मिनट्स निकाल लो, था कि नहीं था? नहीं हार्डली 10 मिनट्स आगे बोलो। कमालुद्दीन इंग्लिश क्लास करे कल बैठो, अच्छे नहीं है ना सर। कितना बजे? इधर आ रहा है सर, क्लास कर रहे हैं 8 से? आज 15 से 9 बजे। तो दूसरा टाइम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले पढ़ना दो। हाँ क्या बोले थे? हार्डली 10 मिनट्स, हाँ हार्डली 2 किलोमीटर, 2.5 घंटा, हाँ 2 एंड हाफ एन आवर, हार्डली 2 एंड हाफ एन आवर। अच्छा बी गुड, डोंट बी फुलिश, हाँ डोंट बी सो स्मार्ट या ओवर स्मार्ट, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ओवर सो एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। डोंट बी सो स्मार्ट कर दो, ज्यादा वाला में ओवर लगाना, इतने वाला में सो लगाना। ठीक है आगे, बी अ गुड पर्सन, ठीक से राइट प्रॉपरली, डोंट माइंड, माइंड योर हैंड राइटिंग, माइंड योर डिक्शन, गो टू हेल। वाह व्हाट अ कार, वाह व्हाट अ हाउस, सिट साइलेंटली, चुपचाप का साइलेंटली होता है। साइलेंटली चुपचाप, और बोलो स्टैंड अप, सिट डाउन, खड़ा हो जाना का स्टैंड अप होता है, खड़े हो जाओ। किसी को बोले बैठ जाओ, तो बैठना का सीट नीचे बैठता है ना, डाउन, सीट डाउन, बैठ जाओ। और है ना, हो गया। जिस दिन नहीं आएंगे तो उस दिन बैठना मत, बैठ करके प्रैक्टिस कर लिया करना आपस में, जैसे किए थे ना एक दिन, जैसे कल नहीं थे, सो रहे थे। हाँ सुनना भी जरूरी है ना सेहत के लिए, इसलिए। हाँ तो चुपचाप को क्या बोलेंगे? साइलेंटली बोलेंगे, चुपचाप बैठे तो क्या बोलेंगे? साइलेंटली सीट, नहीं, सीट साइलेंटली, पहले सीट फिर क्या बोलेंगे? हाँ साइलेंटली। चुपचाप बैठिए, खड़े हो जाइए तो क्या बोलेंगे? बैठ जाइए तो क्या बोलेंगे? सीट डाउन। कभी कभी किसी से स्पेलिंग पूछते हैं ना, तो स्पेलिंग पूछने के लिए यूज करते हैं हम लोग स्पेल आउट का। किसका यूज करेंगे? स्पेल आउट। स्पेल आउट का मतलब होता है स्पेलिंग पूछना। हाँ आ जाओ बैठ। हाँ क्या बोलते थे? स्पेलिंग पूछना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पेल आउट। जैसे बोलेंगे कैट का स्पेलिंग बताओ, कैट का स्पेलिंग बताओ, तो क्या बोलेंगे पता है? स्पेलिंग बताओ क्या होगा? बस स्पेल आउट कैट ना हो जाएगा, स्पेलिंग पूछ लेंगे। जैसे बोलेंगे डॉग का स्पेलिंग बताओ तो क्या बोलेंगे? स्पेल आउट डॉग। राम का स्पेलिंग बताओ तो क्या बोलेंगे? राम।
हाँ मोहन का स्पेलिंग बताओ तो क्या बोलेंगे? स्पेलिंग पूछने आ गया ना, पूछ सकते ना इंग्लिश में, तो बोलेंगे कैट का स्पेलिंग बताओ तो क्या बोलेंगे? स्पेल आउट कैट हो जाएगा। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना या फैलाना, पहले सीखो आराम से। फैलना या फैलाना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्रेड। क्या बोलेंगे? फैलना या फैलाना। जैसे पानी वगैरह गिर जाता तो नहीं खुद से फैल जाता है, रबर वगैरह वो खींच करके स्ट्रेच करते फैलाते हैं ना, वो अलग है। स्ट्रेच का मतलब ही फैलाना होता है, लेकिन जब सिकुड़ करके वापस आ जाता तो स्ट्रेच होता है वहां पे। देखो स्ट्रेच का मतलब ही फैलाना होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, सिकुड़ करके स्ट्रेच करते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है ना, पोजीशन सेम ले लेता है ना, तो वो फैलाना स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन स्प्रेड में ऐसा नहीं होता है, ऐसा है कि पानी को फैला दिए छोड़ते तो वापस आ जाता है, नहीं होगा ना, स्प्रेड हो जाता है। जैसे कभी कभी किसी के बारे में कोई अफवाह भी फैला देते हैं हम लोग, नहीं फैला देते हैं, अफवाह को बोलते हैं र्यूमर। र्यूमर बोलते हैं, हार से भी बोलते हैं, अफवाह होता है। अच्छा मना करते थे किसका यूज करते हैं जरा बोलो, मना करते थे क्या चीज से? डोंट से ना। अगर बोलेंगे मत खेलो तो क्या बोलेंगे? मत लिखो तो, मत बोलो तो, अब बोलेंगे कि मत फैलाओ तो क्या बोलेंगे? डोंट स्प्रेड। इसको भूल जाओ, अभी बोलेंगे मत फैलाओ तो क्या बोलेंगे? डोंट स्प्रेड। लिख देते हैं। अगर बोले कि अफवाह मत फैलाओ तो डोंट स्प्रेड तो होगा ना। अब अब्बा का क्या होता है? र्यूमर। क्या बोलते हैं? डोंट स्प्रेड र्यूमर। हिंदी में क्या हो जाएगा? अफवाह मत फैलाओ। फैलाओ हो जाएगा ना। जैसे मान लो जहां तहां बच्चा सा पानी बिखेर देता है, गिरा देता है, फैला देता है, तब बोलेंगे कि पानी मत फैला दो, क्या बोलेंगे? डोंट स्प्रेड वाटर। समझ में आ गया ना। लिखो जैसे हम लोग क्लास वगैरह में ना गंदगी सब फैला देते हैं, कूड़ा करकट सब फैला देते हैं, कचरा सब, कूड़ा करकट को बोलते हैं गार्बेज। यहां लिखते हैं गार्बेज, कूड़ा करकट। कमरे समय नहीं फैला लेते रूम में, उसको गार्बेज बोलते हैं। जैसे सर देखेंगे तो बोलेंगे रे कभी फैला देता है यहां पर कचरा सब। डोंट स्प्रेड गार्बेज, कूड़ा करकट मत फैलाओ। इसके ब्रैकेट लिख लेना, सिकुड़ कर वापस आ जाना, स्ट्रेच का मतलब फैलना या फैलाना। यहां हो जाएगा पानी मत फैलाओ, डोंट स्प्रेड वाटर।
पूरा करकट मत फैलाओ। चिकना का क्या होता है? चिकना का स्नेज, चिकना जो तू मना करेगा वो छींक रहा है तो बोलेंगे मत छींको, तो क्या बोलेंगे? डोंट स्नीज, मत छींको, कोरोना फैला देगा। इस पे बना सकते हैं कि कोरोना मत फैलाओ, नहीं बोलते हम लोग, तो क्या बोलेंगे बोलो जरा? कोरोना मत फैलाओ, क्या बोलेंगे? डोंट स्प्रेड कोरोना। देखो जाओ किसी को बोल देना आज। हिंदी हो जाएगा ना? हिंदी नहीं भी लिखेंगे तो कोशिश करना लिख से, खुद से पूछ करके लिखने का। कोरोना मत फैलाओ, डॉन स्प्रेड कोरोना। मिटा देना स्नीज का मतलब छींकना होता है, कोई नहीं देखता, कभी कभी हकलाते रहता है, हकलाना, रुक रुक नहीं बोलते हैं हकला करके, उसको स्टेमर बोलते हैं, स्टेमर हकलाना, हकलाना स्टेमर, क्या बोलेंगे? अच्छा एक कभी कभी एक हकलाना होता है, एक तुतलाना होता है, हाँ उसको बोलते हैं लिस्प, तुतलाना। एक होता है बहरा, क्या बोलते उसको जानता होगा? डीप बोलते हैं ना। एक अंधा भी होता है, क्या बोलते हैं उसको? ब्लाइंड। और क्या होता है समय? हकलाना होता है, तुतलाना होता है, बारा होता है, अंधा होता है, और कुछ होता है? क्या चीज? गूंगा, क्या बोलते उसको? उसको कुछ बोलते हैं, डम, डम बोलते हैं, गलती है लेकिन सही है, गूंगा। ऐसा बहुत है, वो क्या है? करोड़ों है, तो बूंदी बूंद अपना तालाब भरते रहो। समुंदर की तरह है
जितना जोत पड़े उतना निकालना, पूरा निकालने का जोत नहीं है। समुद्र को क्या बोलते हैं? सी, समुद्र। एक समुद्र का किनारा होता है, जब जाएगा मुंबई में बीच बोलते हैं। बीच घूमने गया कभी? चलो गया तो अच्छी बात, नहीं गया तो चल जाना। इन्हीं के बीच मतलब बीच में चल जाना, कोई कहेगा चलो बीच पे चलते हैं तो चल जाना बीच पे, रहिए जाएगा उतरे तू, उसके बाद फिर बीच में जाने लायक बचेगा नहीं तू, उसके फिर तुम काट में कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, ठीक से जाना बीच पर, इन्हीं के बीच में घुस जाना तुम, समुद्र का किनारा। क्या बोला था? कहेगा सर जी आप ही बोले थे बीच पर जाना घूमने, तो चले गया बीच में अपना, अब काट ना पाएंगे तुमको, अपने काट कर देगा समुद्र का लहर। बीच बोलते हैं, समुद्र का किनारा। सी होर भी बोलते हैं उसको, समुद्र का किनारा। ऐसे घूमने के लिए जाता लोग, एंटरटेनमेंट। हम जा चुके हैं, तुम भी जाना अपना। चापा और लिखते हैं, विपुल का मतलब था बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बनाना। एक होता है बिलाय, कह सर बिलाय गौरव में है, बिलाय का मतलब था झूठा साबित करना, झूठा साबित करना। चलो आज बुक आप तो लिख दिया। पुनः लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाए उधर बोलो, कूड़ा करकट को क्या बोलेंगे? गार्बेज। क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कूड़ा करकट मत फैलाओ, तो क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे हम लोग रूम वगैरह फैला देते हैं ना, उसी को बोलते हैं गार्बेज। छींकना का क्या होता है? स्नीज। जैसे बोलेंगे मत छींको, तो क्या बोलेंगे? डोंट स्नीज। जैसे बोलेंगे मेरे सामने मत छींको, मेरे सामने मत छींको, डोंट स्नीज मी, नहीं गलती है, बताते हैं अभी। अब बोलेंगे कोरोना मत फैलाओ, तो क्या बोलेंगे? डोंट स्प्रेड कोरोना। हाँ, अफवाह मत फैलाओ, र्यूमर। क्या बोलेंगे? हाँ, डोंट स्प्रेड र्यूमर। पानी मत फैलाओ, हाँ, जैसे बोलेंगे मेरे कमरे में पानी मत फैलाओ, मेरे कमरे में पानी मत फैलाओ, तो पहले बताओ, पहले बनाओ पानी मत फैलाओ का, डोंट स्प्रेड वाटर। हाँ, मेरे कमरे में ना, इन माई रूम हो जाएगा, इन माय रूम। हिंदी क्या हो जाएगा? हाँ, मेरे कमरे में। आराम आराम से सीखो और कोशिश करो हिंदी से इंग्लिश करने का और इंग्लिश से हिंदी करने का, धीरे धीरे अपने स्ट्रांग हो जाएगा। आ जाओ, कौन क्वेश्चन था वहां पे? मेरे सामने मच्छी को ना, आओ छिकवाते हैं। सामने का दो गो इंग्लिश होता है, नहीं दिए तो लियो। सामने का क्या को इंग्लिश? दो को, एक होता है बिफोर, एक होता है इन फ्रंट ऑफ। देखो आराम से, एक वो क्या होता है? बिफोर। एक क्या होता है? तो बोलो सामने को क्या बोलेंगे? क्या क्या बोलेंगे? बिफोर। और क्या बोलेंगे? दोनों का यूज अलग अलग है, लेकिन तुमको जो मन हो सो करना, जहां मन तहां, लेकिन फिर भी हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। बात होगा लिविंग का, किसका? लिविंग।
अच्छा लिविंग का मतलब जानता है, सजीव। लिविंग का मतलब हाँ, अब बात होगा नॉन लिविंग का। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव। लो जब लिविंग का बात हो तो तुम यूज करना बिफोर का, किसका करेगा? Before. जब नॉन लिविंग का बात होगा तो यूज करना किसका तुम? इन फ्रंट ऑफ का। करके दिखा देते हैं, जैसे बोलेंगे मेरे सामने। लो क्या बोले? मेरे सामने। तो पहले बनाएंगे सामने का ना, और फिर किसका बनाए? मेरे का। एक नंबर में इसका, दो नंबर में मेरे का। सामने का क्या होगा? मेरे है ना, तो मेरे लिविंग है कि नॉन लिविंग है? जैसे बोले मेरे सामने सजीव कि निर्जीव है, सजीव। तो किसका यूज करेंगे? अब मेरे के लिए मी का यूज करना, बिफोर मी। क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे तुम्हारे सामने, जरा बोलो तुम्हारे सामने, क्या बोलेंगे? बिफोर यू। अगर बोल देंगे कि रानी के सामने, रानी के सामने, तो क्या बोलेंगे? हाँ, बिफोर रानी। आए समझ में? तो बोलेंगे सामने का इंग्लिश क्या होगा? बिफोर। बोलेंगे मेरे सामने, तुम्हारे सामने, राम के सामने, सोनू के सामने, मोनू के सामने, अमिताभ बच्चन के सामने, बिफोर अमिताभ बच्चन। तो लिविंग रहेगा तो किसका यूज करेंगे? और नॉन लिविंग रहेगा तो इन फ्रंट ऑफ। क्या बोलेंगे? एक बार और बोलो, क्या बोलेंगे? एक बार और। चलो उसका लिख लो पहले, उसका बताते हैं, उसका भी एग्जांपल दिखाते हैं इन फ्रंट ऑफ का। यहाँ पे स्पेलिंग गलती है, सीहोर का सी नहीं सीजहोर होता है, सीजहोर। और सी हॉर्स का मतलब होता है समुद्री घोड़ा, समझो ना। एक सी हॉर्स भी होता है समुद्री घोड़ा। मिलाई झूठा साबित करना, ये झूठलाना नहीं बोलते हैं, हमको झूठला दिया। हाँ यही चीज होता है झूठलाना।
छपा मिटा इधर इधर मिटा दे इन फ्रंट ऑफ बताएंगे बता देते पहले उसको भी मेरे सामने का इंग्लिश क्या हो गया तुमको दुख ना हाँ कौन कौन एक बिफोर एक इन फ्रंट ऑफ तो मेरे सामने रहेगा तो क्या हो जाएगा बिफोर मी राम के सामने रहेगा तो हाँ सोनू के सामने लेकिन अगर नॉन लिविंग रहेगा तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करना जैसे बोलेंगे कि मंदिर के सामने मंदिर के सामने बोलने के लिए दोनों बोल सकते हैं बिफोर टेम्पल भी बोल सकते हैं बिफोर द टेम्पल भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत बोलचाल की भाषा में क्या हर्षिकार क्या दीर्घिकार कोई मतलब नहीं है लेकिन रिटेन में अपना ठीक करेंगे ना तो फिलहाल सीखना है तो बिफोर द टेम्पल ही बोल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल ही बोल सकते हैं लेकिन बोलेगा तो सही सही बोले क्या दिक्कत है के सामने का पहले फिर किसका मंदिर का के सामने का एक नंबर में दो नंबर में मंदिर का तो क्या हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल बोलो इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल मंदिर के सामने जैसे बोलेंगे मान लो कि तुम स्टेशन पे आया है फोन किया दोस्त को कॉल किया दोस्त पूछता है कहाँ है तुम वेयर आर यू तो तुम बोला कि स्टेशन के सामने क्या बोलेगा तुम मान लो कि तुम स्टेशन के सामने खड़ा है तो यही ना बोलेगा कि स्टेशन के सामने इंग्लिश में क्या बोलेगा हाँ बोलो जरा इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन अगर तुम उसको बोला कि तुम्हारे घर के सामने तो क्या बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ योर हाउस हाँ जब तुम्हारा तुम्हारी मेरा मेरी सब आ जाएगा तो आर्टिकल्स दो हट जाता है उसी के जगह पे तुम्हारा तुम्हारी सबका इंग्लिश आ जाता है आए समझ ना जैसे बोलेंगे तुम्हारे घर के सामने तो क्या बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ योर हाउस तुम्हारे कोचिंग के सामने तो क्या बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ योर कोचिंग तुम्हारे सामने तो क्या बोल देंगे नहीं इन फ्रंट नहीं तो बिफोर यू हो जाएगा ना अब अरे समझना जैसे बोलेंगे श्यामा मंदिर के सामने तो क्या बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ द श्यामा टेम्पल श्यामा मंदिर को क्या बोलेंगे श्यामा टेम्पल लिख लो इन फ्रंट ऑफ भी समझ में आ गया बिफोर भी धीरे धीरे सब सीख जाएगा हिंदी लिख लेना इसका इन फ्रंट ऑफ योर हाउस तुम्हारे घर के सामने बस हिंदी से इंग्लिश कोशिश करो और इंग्लिश से हिंदी कोशिश करो गलती भी चलेगा लेकिन कोशिश करो जैसे कोई जो होता है फिजिकली चैलेंज फिजिकली चैलेंज बोलो या फिजिकली हैंडीकैप बोलो शरीर से अपंग शरीर में कोई दिक्कत रहता है ना गॉड गिटेड जैसे माल लंगड़ा है लूला है बारा है भगवान के दिया गया ना तो सबको फिजिकली चैलेंज बोलते हैं या फिजिकली हैंडीकैप बोलते हैं फॉर्म सब फिल करेगा वहां भी ऑप्शन रहता है फिजिकली हैंडीकैप यस रहेगा तो यस नो रहेगा तो नो यस करेगा तो ऑप्शन खुलेगा क्या प्रॉब्लम है मतलब तुतला रहा है कि हकला रहा है कि पाँव में प्रॉब्लम है बहुत सारा होता है ना तो वो फिजिकली चैलेंज में ऑप्शन देता है फॉर्म वगैरह में हिंदी हो जाता है शरीर से अपंग है कि नहीं है, है तो यस करेंगे नहीं है तो नो करेंगे यस करेंगे तो ऑप्शन सब खुलता है ठीक है
तो ये सब इसी में आ जाता है ना, देखो जैसे गूंगा बहरा सब उसी में आ जाएगा ना, ब्लाइंड। एक लंगड़ा भी होता ना जिसको चलने में प्रॉब्लम होता है, उसको लिंप बोलते हैं, LIMP, लिंप, लंगड़ा जिसको बोलते हैं। कोई अगर लंगड़ा आगे चल रहा था नहीं बोलते हिज लिंपिंग, क्या बोलेंगे? लिंपिंग। आईएनजी लगा देते तो रह रही आ जाता है, बोले है ना। वह लिख रहा था हिज राइटिंग, वह बोल रहा था हिज स्पीकिंग, तो वह लंगड़ा रहा है तो क्या हो जाएगा? हिज लिंपिंग। क्या बोलेंगे? बस आईएनजी लगा दो, हिंदी में रह रही हो जाएगा। छपिया तो बेवकूफ बनाने का क्या होता है? बिफुल। क्या बोलेंगे? हाँ। चुटलाना का क्या होता है? गिलाई। हकलाना का? स्टेमर। क्या बोलेंगे? हाँ। तुतलाना का? लिस्प। हाँ। बहरा का? डीप। क्या बोलेंगे? हाँ। लंगराना का? लिम्प। लिम्प। अंधा का? ब्लाइंड। गूंगा का? डम। और समुद्र को क्या बोलते हैं? सी। समुद्र के किनारा को सीज होर भी बोल सकते हैं और बीच भी बोल सकते हैं। और बोलेंगे शरीर से अपंग, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिजिकली चैलेंज या फिजिकली हैंडीकैप। टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। टेक आउट का मतलब क्या हो जाता है? जैसे किसी को बोलेंगे कि अपना मोबाइल बाहर निकालो, अपना मोबाइल बाहर निकालो। हाँ, तो पहले किसका बनाएंगे, फिर किसका बनाएंगे? अपना मोबाइल का। बाहर निकालोगा क्या हो जाएगा? टेक आउट। अपना मोबाइल तो क्या बोलेंगे? योर मोबाइल हो जाएगा ना। जैसे बोलेंगे अपना रुमाल बाहर निकालो, टेक आउट योर हैंकी। रुमाल का ऐसे दो इंग्लिश होता है, एक तो जानते हैं हैंकी, एक हैंडकरचीफ भी होता है। हैंडकरचीफ, हैंकी बोलो या हैंडकरचीफ, तो बोल सकते हैं टेक आउट योर हैंकी। जैसे किसी को बोलेंगे कि अपना कलम बाहर निकालो, अपना कलम बाहर निकालो, तो बोलो जरा क्या बोलेंगे? टेक आउट योर पेन। अपना कलम बाहर निकालिए, लिख लो। एक होता है पिकअप। पिकअप का मतलब ही होता है उठाना। जब भी कुछ उठाते हैं ना, गिर बगड़ा जाता है तो पिकअप करते हैं। जैसे मान लो किसी का कलम गिर गया तो बोलेंगे अपना कलम उठाओ, यही ना बोलेंगे? अपना कलम उठाओ, तो क्या बोलेंगे? पिकअप योर पेन। अपना कलम उठाओ या उठाइए। किसी का मोबाइल गिर जाएगा, उसको बोल सकते हैं कि अपना मोबाइल उठाओ।
क्या बोलेंगे? पिक अप योर मोबाइल। टेक आउट होता है, पिक अप होता है, अलग अलग चीज है। टेक आउट का जैसे बाहर निकालना, पिक अप का मतलब उठाना। नीचे से भी कुछ उठाते हैं, पिक अप करते हैं। पिक अप योर मोबाइल, पिक अप योर पेन, पिक अप योर हैंकी। गिरा रहेगा तो बोल सकते हैं ना, अपना रुमाल उठाइए। हो गया छापा। इन चारों का मीनिंग लिख लो। फीड का मतलब था खिलाना पिलाना, फीड, FWD, फीड, खिलाना या पिलाना। फेच का मतलब होता है अगला है, FUTCH। फेच का मतलब था जाकर लाना। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। राइट का मतलब लिखना, इस पर चर्चा करेंगे कल। फीड का मतलब खिलाना पिलाना, FWD फीड है। फेच, FETCH, फेच। फेच का मतलब जाकर लाना, और ब्रिंग का मतलब लाना, और राइट का मतलब लिखना। इस पर चर्चा करना है कल, याद दिलाना। आप क्वेश्चन देते हैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। लिख लो अच्छे से। लिखो, अपना कॉपी उठाओ। पिक अप योर नोटबुक या कॉपी, बोथ आर राइट। नेक्स्ट, दोनों सही है लिखना है। इंग्लिश में बोलेंगे बोथ आर राइट। नेक्स्ट, अपना मोबाइल निकालो। टेक आउट योर मोबाइल, बाहर निकालो या निकालो, एक ही सेंस हो जाएगा। टेक आउट योर मोबाइल। नेक्स्ट, मत हकलाओ, डोंट स्टेमर। मत हकलाओ, मेरे सामने मत हकलाओ। डोंट स्टेमर बिफोर मी होगा ना, डोंट स्टेमर बिफोर मी। नेक्स्ट, मत तुतलाओ, डोंट लिस्प। इंग्लिश मत लिखना, सुनना बस, कोशिश करना बोलने का। डोंट लिस्प, मत तुतलाओ। उसके बाद समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पता है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो।